जैन साहब, क्या कुछ है रिपोर्ट में? अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई भी ट्रायल कोर्ट में तब तक ना हो जब तक हम दिशा निर्देश इस पर नहीं देते हैं। इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं और रिपोर्ट में क्या कुछ है, क्या बताएंगे? देखिए, जो रिपोर्ट आई है वो पूर्ण रूप से इंगित करती है कि वहां मंदिर थी और मंदिर तोड़कर ये ढांचा खड़ा किया गया, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो वहां पर शिवलिंग मिला है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदू समाज की, और एक ऐसी चीज मिली है जो 352 साल बाद जनता के सामने सत्यता सामने आई है। और मुझे पर अभी है तो शिवलिंग का दावा ही कहा जाएगा क्योंकि कोर्ट को अंततः फैसला लेना है। जैन साहब, फैसला तो कोर्ट को लेना है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि हिंदू पक्ष का दावा है कि वो आकृति जो है वो शिवलिंग ही है। जी बोलिए, पूरी कीजिए बात, क्या क्या मिला? ऐसा है कि एक सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, शिवलिंग है और ये हम साबित करेंगे शिवलिंग है। इसके लिए हो सकता है एसआई रिपोर्ट मंगाई जाए, हो सकता है जांच हो, और जितनी जांच होगी उतना हमारा पक्ष निकलेगा, उतना पक्ष निकलेगा, और ये बात साबित हो जाएगी कि वहां पर शिवलिंग है जो फवारा कहते हैं, कोई फवारा नहीं है, ये केवल और केवल शिवलिंग है। और हम लोग का विश्वास है कि इसकी लंबाई और गहराई और ज्यादा है, ये बात आएगी। दूसरा जगह और बता दूं, जो शिखर था मंदिर का, शिखर के ऊपर इनका गुंबद लगा हुआ है, ये बड़ी ताजुब की बात है, वो भी सामने आएगा। और पूरा का पूरा ढांचा वो मंदिर शेप का आप है। कह रहे हैं जो ऊपर गुंबद बना हुआ है उसके नीचे आपको लग रहा है शिखर है, तो उसकी जांच तो हुई नहीं होगी? लग नहीं रहा है, नहीं हुई है, फोटो आ गई है, फोटो है, ठीक है, लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, है। और जो बड़ा वाला गुंबद है उसके नीचे मंदिर का ओरिजिनल गुंबद है, वो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, वहां पर हिंदू देवी देवता का चिन्ह है, सारे के सारे शास्त्र के चिन्ह है, ओम का चिन्ह है, और सारे जो एक देवस्थान में होते वो चिन्ह है। तो मैं आपको बतला दूं, गुंबद के अंदर की फोटो वगैरह भी रिपोर्ट में डाली गई है। हाँ जी जी जी, आज जो रिपोर्ट दाखिल हुई है उसमें से मस्जिद, जो तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर की रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत चीजें इन्होंने लेपने की कोशिश की, उस पर पीओपी लगाया, इसके बाद भी चीज सामने दिख रही है, टूटी टूटी मूर्तियां मिली हैं, और जो पश्चिम की दीवार है पूरी की पूरी हिंदू कलाकृति की है। पीओपी कहाँ पे लगाया? आप कह रहे हैं पीओपी से ढकने की कोशिश की, एक सेकंड सर, पीओपी लगाया गया, कहाँ पे लगाया गया और क्या उसको भी हटाकर जांच की गई, फोटो ली गई? जी हाँ, फोटो ली गई है और पीओपी पर हाथ रख देखा गया तो मालूम पड़ रहा था कुछ ताजा लेप किया गया है, पर जो भी जितना बचा हुआ है उसमें जो कुछ आ गया है वो साबित करता है कि प्योर और प्योर हिंदू मंदिर था और है। नंबर दो बात आपको बता दूं, आज कहा जा रहा है, थोड़ा गलत फहमी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे टाइप चीज नहीं की है, हमने कहा था ये शिवलिंग मिल गया है तो उसके अगल बगल इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है छिपाने के लिए, तो दीवार तोड़ दी जाए ताकि चीज सामने आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज हमने एडजस्टमेंट लिया है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मैं घर पर हूँ, कल मैं 2 दिन हॉस्पिटल था, आज भी घर पर हूँ, अभी दवा वा लेके पड़ा था, आप लोगों ने कहा तो मैं सामने आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल 3 बजे की सुनवाई रखी है और ये कहा गया कि कल हम अपनी एप्लीकेशन आज हम प्रेस नहीं करेंगे, कल के बात करेंगे, तो कोई स्टे टाइप की कोई ऐसी चीज नहीं है। हमने खुद कहा है कि 2 प्रोसीडिंग एक साथ नहीं चल सकती है, इसलिए उस एप्लीकेशन को हम कल तक प्रेस नहीं करेंगे। इससे पहले कि मैं आने मेहमानों के पास जाऊं, एक और सवाल है आपसे हरिशंकर जी, एक और सवाल है, ये जो हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में वक्त मांगा है वो किस लिए है, क्या करना चाहते हैं? क्या वही सर्वे की रिपोर्ट या उसकी कॉपी को यहाँ पर दी जाएगी, क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्या करेंगे? जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने रिट में जो SLP दाखिल किया है उसे बहुत चीजें नहीं लगाई हैं, हमारे सूट की कॉपी नहीं लगाई है और बहुत मेजर डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे और कोर्ट को दिखाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट रिवील करते हैं कि क्या क्या ऑन रिकॉर्ड है और कोर्ट का ऑर्डर कितना सही है,
और हमारे पास क्या क्या तथ्य हैं ये साबित करने के लिए कि ये मंदिर है और ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, पूरी जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और सोचिए वजू की जगह पर यहाँ शिवलिंग रख दिया, कहते फवारा है। अरे फवारा 352 साल पहले कौन फवारा चलता था और कहाँ चल जाएगा, उसमें कोई छेद नहीं है, पानी आने की कोई जगह नहीं है। और चूंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं ज्यादा डॉक्टर मना किया बोलने के लिए, ठीक है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, आज अपनी बात इतनी कह दी, ठीक है, अब इसका मैं आज रेस्ट लूंगा, ठीक है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी से एक बार चलते हैं पहले वाराणसी। अब मामला आज के लिए तो कम से कम लटक ही गया है चित्रा, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है, दूसरी तरफ रिपोर्ट सौंप दी गई है। सबकी नजर अब इस बात में है कि सुप्रीम जब ये सर्वे की रिपोर्ट आती है उसमें जो तथ्य जो दावे किए गए हैं उसके प्रमाण क्या क्या साबित हो पाते हैं, क्योंकि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ये सब अहम रहेगा। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने कि सभी की निगाहें अब सिर्फ इस बात पर टिकी हुई हैं कि ये जो 12 पन्नों की रिपोर्ट है इसके भीतर किन बातों का जिक्र है। देखिए सबसे बड़ा सवाल उस शिवलिंग को लेकर जिसकी तस्वीरें लगातार वायरल हुई थी, क्या इस बात का जिक्र रिपोर्ट के भीतर है कि हाँ वहां पर शिवलिंग होने के प्रमाण है या फिर शिवलिंग जैसी कोई आकृति है और शिवलिंग के ऊपर सीमेंटेड करके कुछ कट किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि बाबा मिल गए ये बातें कहते हुए वो तस्वीरें वो वीडियो जमकर वायरल हुआ था और वाराणसी के लोग और खासतौर से जो हिंदू समुदाय है जो भगवान भोलेनाथ पर आस्था रखता है वो तो मानकर बैठा हुआ है कि हाँ वो मंदिर की जमीन थी, उस पर टोपी पहना दिया गया, गुंबद चढ़ाकर उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, जो लगातार हिंदू पक्ष की ओर से दावे किए जा रहे हैं। 12 पन्नों की ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, 70 पेज का एनेक्सर है, उसमें एक एक बातें डिटेल से रखी गई है, 1000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स है जिसके बारे में एक एक लाइन में डिटेल वहां पर अवेलेबल कराई गई है। अब जज रवि दिवाकर को इस बारे में फैसला लेना है कि आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन वो रिपोर्ट कब सामने आएगी सबकी निगाह इसी बात पर टिकी हुई है, क्योंकि इसके पहले पूर्व कमिश्नर की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कम से कम ये स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वहां पर कई ऐसे तथ्य हैं, चाहे खंडित मूर्तियों का जिक्र हो, चाहे ताखे का जिक्र हो जिसमें दीपक जलाए जाते हैं, तो उसी से मिलती जुलती रिपोर्ट, लेकिन सबकी निगाह सिर्फ इस एक सवाल पर कि क्या शिवलिंग उस मस्जिद के भीतर है या फिर नहीं है, और अगर वो आकृति जो शिवलिंग जैसी दिखाई दे रही है अगर वो शिवलिंग ही है तो क्या पूजा करने का अधिकार दिया जाता है, इस पर आगे क्या होगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। अंजना हाजी खान साहब वो दावा कर रहे हैं कि जो गुंबद है उसके नीचे भी शिखर है मंदिर का और तस्वीरें दी गई हैं, सब कुछ प्रमाण है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, वो दावा कर रहे हैं कि शिवलिंग का है और वो सिरे से खारिज कर रहे हैं ये जो फाउंटेन वाली थ्योरी आप लोग सामने रख रहे हैं, आपका जवाब। देखिए अंजना जी बात यह है कि आंखें जिसके पास है उसको सारी चीज नजर आती है और आंख से अगर कोई अंधा हो जाए और उसकी आंख बंद हो जाए तो फिर उसको कुछ नहीं नजर आता। हम ये कहते हैं कि पिछले 450 साल से ज्ञानवापी मस्जिद में ईद की नमाजें हो रही हैं, अब 450-400 साल में कितनी ईद की नमाजें हुई होंगी, कितनी जुमे की नमाजें हुई होंगी, कितनी 5 वक्ती नमाजें की हुई होंगी, ये सारा दुनिया देख रही है इस वक्त इस मामले पे, हिंदुस्तान की नगर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की न्याय व्यवस्था पे है कि भारत की न्याय व्यवस्था क्या फैसला करती है। हमें इस देश में संविधान के एतबार से मुल्क चलेगा, किसी की आस्था धींगे मस्ती या मेरी कुछ खुदगर्जी की वजह से नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद के मामले में जब फैसला आया था तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा था कि आज के बाद हिंदुस्तान में किसी भी मस्जिद और मंदिर पर कोई मामला नहीं होगी, जो 1991 का वर्शिप एक्ट है उसके तहत उस पर कोई कार्रवाई। हम ये कह रहे हैं, इतना सच साक्ष्य रख भी रहे हैं जो तोड़ा होगा मंदिर, पहले इतिहास इस बात का गवाह है, तारीख इस बात की शायद और गवाह है कि पहले राजा लड़ते थे और मंदिरों को ही तोड़ते थे और मंदिरों के अंदर सोने चांदी हीरे की जवाहरात होते थे उन्हें लूट लिया करते थे, चाहे वो हिंदू राजा होते थे चाहे मुसलमान राजा होते थे। रही बात के 47 जब बाद मुल्क आजाद हुआ उसके बाद का संविधान चलेगा, पिछली बार क्या हुआ किसने किया उस पर देश नहीं चलेगा, इस पे आने वाले कल में एक नई मिसाल नहीं कायम की जाएगी, बल्कि जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो गिरजाघर है वो गिरजाघर रहेगा, जो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा। लेकिन यही संविधान जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं ये राइट टू लीगल रेमेडी देता है, किसी भी मामले में कोई कोर्ट जाकर अपनी बात कह सकता है, तभी तो सर्वे की आदेश दिया ना कोर्ट ने। देखिए मैडम उस सर्वे का भी एक्ट ऑफ 1910 का उल्लंघन है, अब ये तो कोर्ट को तय करने दीजिए, आप कर दीजिएगा, आप तो पूरी दुनिया लेकिन अगर कोई ये कह दे कि ये भी तय नहीं होगा कि वो पूरी दुनिया को अंधा बता रहे हैं वो शिवलिंग है, ये भी नहीं तय होगा, सब तय करेगा कोर्ट, सब दावा है सब कोर्ट तय करेगा।